अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रामू तिवारी ने कहा है कि महानगर पालिका में भाजपा के कार्यकाल में नित्य नए घोटाले सामने आ रहे थे। इस बार विज्ञापन फलक घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें मनपा को आगामी 10 वर्षों में 50 से 60 लाख का नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्थायी समिति की अंतिम बैठक में राजकारणी मीडिया वेवज नागपुर की कंपनी को शहर में 9 विज्ञापन फलक किराए पर देने का निर्णय लिया गया है। इस ठेके से पूर्व मनपा को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक का राजस्व मिलता था, लेकिन इस ठेके में अब मनपा को प्रतिवर्ष 4,23,570 रुपए ही प्राप्त होंगे। इस तरह हर वर्ष मनपा को पिछले ठेके के मुकाबले में 6 लाख रुपए का नुकसान होगा। ये ठेका 10 वर्षों के लिए दिया गया है। ऐसे में मनपा को 60 लाख का आर्थिक नुकसान होने का आरोप शहर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रितेश तिवारी ने लगाया है। मनपा के कुछ वर्ष पूर्व ऐसे कुल 22 बोर्ड लगाए थे, जिसमें से अब सिर्फ 9 बचे हैं। बाकी बोर्ड का मनपा के पास कोई हिसाब जवाब नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस काम के लिए जारी टेंडर में विचित्र शर्तें रखी गई हैं, जिससे चंद्रपुर के फलक विज्ञापन व्यवसायी चाहकर भी इस टेंडर में हिस्सा नहीं ले सके। जैसे कि इस टेंडर को भरने वाली व्यवसायी का कार्यालय नागपुर में होना जरूरी है, 25 लाख कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 साल के लिए देना जरूरी है इत्यादि। ये देखकर लगता है कि टेंडर खास किसी के लिए उसकी सहूलियत अनुसार बनाया गया था, इसलिए कांग्रेस ने अब इस मामले में जांच की मांग की है, वरना आंदोलन का इशारा दिया है। पिछले 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका पे सत्ता थी, महानगर पालिका में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी जाते जाते भी उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया। आज हमारे को जो जानकारी मिली है, एक जो महानगर पालिका के खुद के 9 होर्डिंग जो शहर में लगे हुए हैं, वो आज 4-5 सालों से जो बोर्ड लगे हैं, उनका जो कुंवर टिकमचंद सराफ बोल के जो एक व्यवसायी थे, उन्होंने किराए से लिए थे, उसको 10,000 रुपये महीने से वो महानगर पालिका को पैसे दे रहे थे। पर इन्होंने एक टेंडर लिए जो नागपुर की एक एजेंसी को दिया गया है, कोई राजकारणी बोल के है, उसको टेंडर दिए, वो सिर्फ 4.5 लाख रुपये साल के हिसाब से टेंडर गया है। यानी पहले 10,000 रुपए एक बोर्ड के मिल रहे थे, अभी सिर्फ 5,000 रुपए एक बोर्ड के मिलेंगे। तो ये पूरी तरह से मैनेज करके भ्रष्टाचार कर कोई भी एजेंसी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से उन्होंने अट्टी और शर्ती में कि नागपुर में उसका विभागीय कार्यालय होना, जो एजेंसी काम ले रही टेंडर चंद्रपुर का, और एजेंसी होना उनको नागपुर की, और नागपुर में उसका ऑफिस होना, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का वो काम है। इसका हम निषेध करते हैं, और माननीय मोहिते साहब से हम निवेदन करते हैं कि इसकी आपने तुरंत चौकसी लगाकर जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगा, नहीं तो चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। शिवसेना की निर्मिति लोगों के भले के लिए की गई दादागिरी से ही हुई है। मातोश्री शिव सैनिकों के लिए पूजा स्थल है, आप जो व्यवहार कर रहे हैं क्या ये दादागिरी नहीं है? राज्य शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने ऐसे तीखे बोल के साथ राणा परिवार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे लोगों को सुनाया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर तिरंगा फहराएं, गरीबों की सेवा करें, हनुमान चालीसा सप्ताह करें, उन्हें हम चंदा भी देंगे। शुक्र करो आपको शिवसेना का झटका नहीं बैठा, आपको ऐसे व्यवहार के लिए शर्मानी चाहिए। ऐसा कहते हुए बच्चू कडू ने राणा दंपति को खड़े बोल सुनाए हैं। आइए देखते हैं बच्चू कडू ने क्या कहा। देशाचा मुद्दा आहे का हनुमान चालीसा, त्यांना आपापल्या धर्मातल्या लोकांना आपापल्या ठिकाणी घरात मंदिर मस्जिदीत पुतळ्यात एकदा आणि 10 म्हणावं त्यांनी। रस्त्यावर येण्याचा हा विषय नाही आहे, रस्त्यावर फडकाचा असेल तर तिरंगा फडकवा, गरिबाची सेवा करा, रुग्णालयात जा, एवढंच तुम्हाला आठवण येत असेल तर मला वाटते हनुमान चालीसाचा एक 7 दिवसाचा सप्ताह ठेवा, आम्ही तुम्हाला वर्गणी देऊ, हे नाटकं बंद करा, अशी त्यांना आमची नम्र विनंती आहे। शिवसेना चांगल्या प्रामाणिक जी दादागिरी असते ना, त्या दादागिरीतूनच शिवसेनेची निर्मिती झाली आहे, वाह्यात दादागिरी नाही आहे। तुम्ही कोणाच्या उद्धव साहेबांच्या मातोश्री ही शिवसेनेचं श्रद्धास्थान आहे, प्रेरणास्थान आहे, आणि तिथे जाऊन तुम्ही जर अशा पद्धतीने करता ही दादागिरी नाही, तुम्हाला लाज नाही वाटत का? अशा पद्धतीनं आपण कोणाच्या घरासमोर, तुमच्या घरासमोर येऊन आम्ही जर उद्या काही एखादा कार्यक्रम ठेवला तर चालेल तुम्हाला? अशा पद्धतीनं करणं योग्य नाही आहे। मला वाटतं अशी दादागिरी आपण करायची, आणि कोणी केली तर म्हणायचं दादागिरी करतंय, तुम्ही असं म्हणायचं का आम्ही एक थापड मारतो आणि तुम्ही उभे राहा? शिवसेना या मुठीतली नाही आहे, सुदैव तुमचं असं आहे
का तुम्हाला धनके बसले नाही याच्यात खुश माना।